भाई लोग क्या हाल है। दोस्तों सुपारी आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखी ही होगी, जो देखने में कुछ इस तरह की दिखाई देती है। सुपारी का उपयोग हर एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी अपना पान मसाला बनाने के लिए करती है। अगर सुपारी ना हो तो पान मसाला बनाना नामुमकिन सा लगता है। और सुपारी का उपयोग हमारे हिंदू धर्म में पूजा करने के लिए भी काफी मात्रा में किया जाता है। पर दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सुपारी बनती कैसे है, और क्या आपने कभी सुपारी का पेड़ देखा है? अगर आप सुपारी के बारे में ये सब नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर सुपारी बनती कैसे है। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों सुपारी का पेड़ देखने में कुछ कुछ खजूर के पेड़ की तरह दिखता है, और जो इसके फल होते हैं वो भी खजूर की तरह ही दिखाई देते हैं, जो कि गुच्छों में कुछ इस तरह से लगे होते हैं। और इसकी खेती वर्षा वाले इलाकों में की जाती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, और सबसे पहले इसे हार्वेस्ट किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसको तोड़ना कोई खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करने से कम नहीं है। कुछ ट्रेंड वर्कर पेड़ पर चढ़कर बड़ी ही सावधानी से सुपारी के गुच्छों को तोड़कर नीचे गिराते हैं। अब वर्कर्स इसे पटक पटक कर सुपारी को झाड़ लेते हैं और इसे इकट्ठा कर लेते हैं, और कुछ वर्कर मिलकर इसे अच्छे से छील लेते हैं। और अंदर की सुपारी को बाहर निकाल लेते हैं। यह काम बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। दोस्तों अभी यह सुपारी कच्ची है, इसे पकाने के लिए इसे कत्थे के पानी में अच्छे से उबाला जाता है। यहाँ से निकालने के बाद इसे अच्छे से सुखा लिया जाता है। दोस्तों अब ये हमारी सुपारी तैयार हो चुकी है, और इसे अब पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।